उसका कोट ड्राई क्लीन करवा कर वापस ला देगी। अब जब वो क्लासरूम में पहुंचती है तो सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और वहाँ पर उसकी कुछ दोस्त भी बनती है जिसमें से एक का नाम सूजिन था। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद वो तीनों एक साथ लंच करने जाती है और काफ़ी घूमती फिरती भी है, जिससे जो काफ़ी इंजॉय करती है और वो काफ़ी खुश थी क्योंकि फाइनली उसे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए थे। आगे जब वो अपने रूम में होती है तो उसका भाई उसकी अगली फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है और दोनों इस वजह से लड़ने लग जाते हैं और जो उसे वो फ़ोटोज़ ग्रीट करने के लिए कहती है, जिस पर दोनों की लड़ाई होती है, जिस पर उसका भाई कहता है कि उसे बदले में डीमन वॉल्यूम की एल्बम चाहिए। इसीलिए वो उस बुक को लेने के लिए बुक स्टोर में जाती है जहाँ वो बचपन में जाया करती थी और वो वहाँ से एक बुक उतारने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ आकर लिस उस बुक को उठा लेता है और वो उसे वो बुक छीनने लगती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब वो जल्दी से उठकर अपना मुंह छुपा लेती है और वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था और उसे डर था। वो अपना मुंह छुपाकर उसे वो बुक दे देती है और जाने लगती है, पर तभी वहाँ का ओनर आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आया हूँ। अब जू उन्हें खाने के लिए मना कर देती है लेकिन वो ओनर ज़बरदस्ती उसे नूडल्स देकर चला जाता है जिन्हें जो जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी लिसो उसके पास आकर कहता है कि तुम इस बुक को पहले पढ़ सकती हो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। दीदी अपनी नूडल्स खत्म करके वहाँ से चली जाती है। अब घर जाकर वो अपने भाई को कॉमिक बुक देती है और उसे डांटती है क्योंकि उसकी वजह से आज वो पकड़ी जाती, लेकिन उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिसो को देखते हैं जो कि कल रात के बारे में सोच रहा था। तभी शॉप का ओनर वहाँ पर आता है और कहता है कि जू ने सब खा लिया। तब लिसो को उसका नाम पता चलता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जू अपना मेकअप कर रही थी और फिर वो अपनी बहन को उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है। अब स्कूल जाकर जैसे ही जू लिसो को देखती है तो वो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन लिसो उसे नहीं पहचानता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। वहीं जू की फ्रेंड सूजिन उसके पास आती है और हम देखते हैं कि लिसो एक लड़की से लड़ रहा था क्योंकि उसने उसकी फोटो क्लिक की थी। तब लिसो उसे वो फोटो डिलीट करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जू की सिस्टर को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र वहाँ पढ़ाने वाले एक टीचर पर जाती है जो कि एक बच्चे के साथ खेल रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू एक मेकअप शॉप पर मेकअप खरीद रही थी। तभी वहाँ पर सैमी और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं जिन्हें देखकर जू काफ़ी डर जाती है और उसे पहले की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे सैमी और उसकी फ्रेंड्स उसे परेशान किया करते थे, लेकिन इस बार सैमी उसे ज़रा भी नहीं पहचान पाती। और जैसे ही जू वहाँ से भागकर बाहर आती है तब वो एक बाइक राइडर को देखती है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और उस बाइक राइडर की टक्कर गलती से जू से हो जाती है। तब वो उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर मारने लगते हैं। तब जू वहाँ लगे सायरन को बजाती है जिसे सुनकर उन्हें लगता है कि शायद पुलिस आ रही है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही जू वहाँ से जा रही थी तभी उसके सामने वो लड़का आ जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन जू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उसे याद आता है कि वो उस लड़के को हेलमेट देना तो भूल ही गई। अगले दिन हम देखते हैं कि लिसो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो कि लिसो से 7 साल बाद मिल रहे थे, पर लिसो उन्हें देखकर खुश नहीं होता और जैसे ही उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं तब लिसो उन्हें कहता है कि वो वापस क्यों आए। उसके डैड उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने को कहते हैं, जिस दौरान उसे पुरानी बीती बातें याद आती हैं कि किस तरह से उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम ने अपना दम तोड़ा था, और ये सब सोचकर वो अपने डैड को प्रैक्टिस के दौरान हरा कर चला जाता है। जाते जाते उसके डैड उसे साथ रहने को कहते हैं पर लिसो उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जू उस बुक शॉप पर वापस जाती है और शॉप के ओनर से पूछती है कि क्या कल रात वाला लड़का तो यहाँ पर नहीं है, जिस पर वो ओनर उसे मना कर देता है। फिर जू अंदर चली जाती है और अंदर जाकर एक बुक देखती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये बुक उसने बचपन में भी पढ़ी थी, और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसके लास्ट पेज में उसे एक स्टिकर भी मिलता है जो बचपन में उसने ही वहाँ पर रखा था। अब जब वो उस बुक को देख ही रही थी तभी वहाँ पर लिसो आ जाता है जिसे देखकर जू अपना फेस बुक से छुपा लेती है, पर लिसो उसे कहता है कि उसे भी एक बुक चाहिए इसीलिए वो अपनी बुक लेकर साइड हो जाए, लेकिन जू उसे कहती है कि वो एक बुक ढूंढ रही है इसीलिए वो साइड नहीं हो सकती। तब लिसो उसे एक बुक मांगता है लेकिन वो वहाँ से गिर जाती है, पर लिसो उसे बचा लेता है और उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर लिसो उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उसने सुसाइड करने वाली थी, लेकिन जू को ऐसा लगता है कि शायद लिसो को उसका सच पता चल गया है कि वो मेकअप करके सुंदर लगती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि प्लीज तुम मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना, जिस पर लिसो उसे हाँ कर देता है और वो दोनों काफी बातें करते हैं, जहाँ लिसो उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे है, जिस पर लिसो उससे पूछती है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट ना करने की बजाय बुक शॉप में क्या कर रहा है, पर वो उसे इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर जो उसे कहती है कि वो उसकी बुक उसे मंडे को ला कर देगी और वो उसे वो स्टिकर एज अ बर्थडे गिफ्ट देती है जो उसे अभी